नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं घूमो दुनिया ब्लॉग्स और एक और चैनल पे ये वीडियो आ सकती है, टेक्निकल मन्नू जी। तो ये दो चैनल पे वीडियो आएगी और वीडियो होने वाली है फास्टैग के ऊपर, कि फास्टैग की अनबॉक्सिंग प्लस उसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कहाँ पर लगाना है अपनी गाड़ी में। ये फोर व्हीलर, सभी फोर व्हीलर के लिए एप्लीकेबल है और जो ट्रक बस हैं सबके लिए भी चल रहा है। तो ये है कि अब ये लगाना ज़रूरी हो चुका है। अगर आप फास्टैग की लेन में घुस गए और आपका ये नहीं लगा हुआ है तो आपको डबल पे करना पड़ेगा और कैश वाली लाइन बहुत कम ही मिलने वाली है। तो मैं बताऊं क्या क्या मिलता है। ऐसा लिफाफा आया HDFC बैंक की तरफ से, क्या मिला, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिली है पढ़ने के लिए, प्लस मोटा मोटा माल तो ये है जो मुझे लगाना है। इस तरीके से मैं छुपा दूँ, QR कोड है। लोग कहते हैं छुपाओ छुपाओ छुपाओ, क्या क्या होता है, कोई स्कैन ना कर ली इसलिए, चल हमने भी छुपा दिया। तो ये फास्टैग है जो मुझे यहाँ लगाना है और वही मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो लगा दूँ या कुछ सवाल पूछना है कमेंट में पूछ लेना। वीडियो कैसे लगी बता देना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो है कि कैसे लगाते हैं। और मैं इस समय गाड़ी में अकेला हूँ, कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है तो फ़ोन थोड़ा शेक हो सकता है। इसे अब मैं दूसरे एंगल में कन्वर्ट करूँगा और कन्वर्ट करके दिखाऊँगा विंडशील्ड के किस हिस्से में लगाना है। अभी शीशा अंदर से तो साफ है, अंदर से साफ है लेकिन बाहर से गंदा है, लेकिन फिलहाल मैं अंदर से और साफ कर लूंगा, ठीक है, तो तब मैं लगाऊंगा इसे। तो ये फास्टैग है, इस फास्टैग को मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से। लेकिन उसे लगाने के लिए यहाँ पे जो काला काला मिरर है ना उसके इधर ऊपर, जहाँ से आसानी से स्कैन कर सके, एक बार में लगाना है, सीधा लगाना है, कोशिश करनी है कि मुड़े नहीं। तो इसे हटा देते हैं स्टिकर को यहाँ से, रैपर से। हटाने के बाद काफी हैवी क्वालिटी है और तुरंत यहां लगा देना है। और एक बार में लगा दिया, बार बार छुटा के ना लगाएं। तो अगर आपको अभी तक आपने नहीं बनवाया तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं कहूंगा आप HDFC बैंक से ना बनवाएं तो ठीक है। मैंने तो बनवा लिया, किसी वीडियो देख के बनवाया था, लेकिन आप पेटीएम से बनाइए, क्या बेनिफिट होगा, उससे रिचार्ज करना आसान होगा। लेकिन मैंने इसके लिए भी एक ऐसा तरीका खोजा है जिसके लिए मैं अल्लाह से एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो बनाई हुई है, आप फोन पे से भी इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं अपनी शक्ल थोड़ा दिखाता हूँ, अगर देखने लायक है तो इसमें दिखती है। तो इसे कहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको और लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वरना आप मेरी वीडियो में खोजेंगे ना फास्टैग, चुटकी में ऐसे चुटकी में कीजिए रिचार्ज, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये मैंने देखो ठंड के चक्कर में कितना हो गया, गाड़ी में हूँ समय फिर भी मफलर बाबा हो रहे हैं। तो ये चीज़ ठंड क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये कह रहा था चुटकी में रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे बिठा के किससे, आप फ़ोन पे से रिचार्ज कर दीजिए, या फिर अभी नई एप्लीकेशन आई है माई फास्टैग के नाम से, उसमें भी कर सकते हैं, भीम से भी, हर चीज़ से कर सकते हो, पेपाल, गूगल पे, सबसे कर सकते हो। उसमें बहुत छोटा प्रोसीजर है, आपको उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बोलिए, मैं तुरंत बना दूंगा उसमें माई फास्टैग के ऊपर। और बाकी का आप पेटीएम से करिए, सबसे सरदर्दी ख़त्म है और जल्दी से उसमें बना लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बस क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए कहाँ पे, पेटीएम मॉल के ऊपर, और आप बना लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे लिंक से जाएंगे तो, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बनाएं, मैंने लगा दिया है और एक वीडियो में बनाऊंगा ऐसी वाली जिसमें लाइव कैसे टोल टैक्स कटता है, कितनी देर बाद मैसेज आता है उसकी भी। तो जल्दी कभी जाना होगा नेशनल हाईवे पे तो आपको जल्दी बताएंगे, बाकी हॉर्न सही चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।